नमस्कार, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम मिश्रा आपका BHU एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। सो वेस्टर्न कलाकार में हम पढ़ रहे थे, वेस्टर्न कलाकार को पढ़ रहे थे जो BHU VFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या फिर और भी यूनिवर्सिटी के VFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा, राइट। सो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, वेस्टर्न आर्टिस्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लियोनार्डो दा विंसी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? लियोनार्डो दा विंसी को पढ़ेंगे और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनके कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस पेंटिंग्स के बारे में, राइट। और ये बहुत ज़्यादा फेमस क्यों थे इसके बारे में, ठीक है। ये पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। पुनर्जागरण काल का मतलब क्या? रेनेसा पीरियड का पुनर्जागरण काल उसे कहा जाता है जब सोसाइटी इम्प्रूव हो रही थी, ठीक है। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लोगों को जागरूक अपने अधिकारों के प्रति, अपने सोशल अधिकारों के प्रति, अपने आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे। इनका जन्म इटली फ्लोरेंस में 1442 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये कौन थे? ये मूर्तिकार थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, राइट। कवि थे, ये गायक थे, भवन शिल्पी थे यानी बहुत से आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर थे, ठीक है। तो ये सब इनके इनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था, ठीक है। मतलब तो ये इतनी सारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कि संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उस समय इतनी अधिक बातों को की जानकारी रखता था, ठीक है। हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, जब उस समय 15वीं शताब्दी जब इनका काल था, जब ये नए नए नौजवान हो रहे थे, तो इनके काल में 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस कला के लिए बहुत ज़्यादा संसार भर में प्रसिद्ध था, ठीक है। वहाँ के प्रसिद्ध गुरु थे आंद्रेलियो वेरेशियो, ठीक है। आंद्रेलियो वेरेशियो थे, आंद्रे वेरेशियो के छाँव में आके, ठीक, आंद्रे वेरेशियो के छाँव में आके, ठीक है। ये आंद्रे वेरेशियो बहुत ज़्यादा फेमस थे। 7 साल वो गुरु के साथ रहे, 7 साल उनके साथ रहा, फिर लेकिन वो अपने कला के माध्यम से, अपने यू नो अपने अपने विल पावर के माध्यम से, क्योंकि इनकी इनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर था, इनका जो आइडियाज थे वो सारी दिशाओं में, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, इवन दो आर्किटेक्चर थे, तो जब तो इनका इनका कई विधाओं में इनका उनके पास ज्ञान था, तो ये अपने गुरु यानी वेरेशियो से भी आगे निकल आए, ठीक है। फिर बाद में लियोनार्डो दिन रात अपने गुरु के साथ रहते थे, ठीक है। बड़े ध्यान से उनकी कलाकृतियों को देखते थे, नए नए विचार को ग्रहण करते थे। एक बार तो क्या हुआ, एक बार वेरेशियो एक सुंदर चित्र बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि रूपरेखा बता दिया, अपना इमेजिनेशन क्रिएट कर दिया, उसके अनुसार लियोनार्डो ने पुष्प पंखों वाले देवदूत का चित्र बना दिया। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, देवदूत का चित्र बना दिया, जिससे वेरेशियो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 7 साल वेरेशियो के संपर्क में रहे, फिर बाद में महाप्रभु लॉरेंजो की छत्र छाया में आ गए, फिर वहाँ कार्य करते रहे, तब फिर लुडोविको स्पत्सारा की सेवा में, फिर यहाँ पे इन्होंने लास्ट सफ़र, बहुत ही फेमस पेंटिंग है लास्ट सफर पेंटिंग है, जिसमें जीजस क्या करते हैं, जीजस पर फिर यह जानते हुए भी जीसस उसके लिए डिनर का आयोजन करते हैं, ठीक है। इसको लास्ट सफर कहा जाता है। और मोनालिसा भी इन्होंने 1814-1881 भी बनाया, ठीक है। इन्होंने लैटिन भाषा सीखी। वायुयान के चित्र की सबसे पहले कल्पना का श्रेय लियोनार्डो दा विंसी को ही जाता है, ठीक है। 1519 में इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई थी, ठीक है। वे पहले ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने दृश्यों में, मतलब पोर्ट्रेट में, पेंटिंग्स में प्रकाश और छाया का विकास ही सबसे प्रभावशाली सुंदर हुआ है, ठीक है। उन्होंने रंग और रेखाओं के साथ साथ छाया प्रकाश को भी उचित महत्व दिया है, ठीक है। इन्होंने और भी पेंटिंग बनाई, जैसे शिशु के साथ मेडोना हुआ, ठीक है, लास्ट सफर हो गया, और मोनालिसा, ठीक है। अब मोनालिसा क्यों फेमस है? मोनालिसा इसलिए फेमस है क्योंकि कहा जाता है मोनालिसा को आज भी अगर आप देखोगे, वो फ्रांस के लावे म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। उसको देखो, जिस दिशा में आपसे आप देखोगे, उस दिशा से वो लगेगा कि वो आपको देख रही है और आपको देख के मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा डिटेल था लियोनार्डो दा विंसी के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। स्टिल कोई डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट सेक्शन इसलिए बना कि आपका कोई डाउट हो
आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक को मैं कवर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। फ्री टेस्ट डेली चलता है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन लगभग डेली होते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली टेस्ट होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट फ्री है सबके लिए और पेड भी है, सिर्फ 79 का। अगर आप लेना चाहेंगे तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब तक ख्याल रखिएगा, अपना घर में रखिएगा, सेल्फ आइसोलेशन में रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। नमस्कार।